शामिल करते हो सरगोदा से यूनिस्फा की रिपोर्ट के मुताबिक कस्बा शाह यूसुफ का सिवरेज और मेन सड़क रास्ता बा अफरा ने फिर बंद कर दिया पुलिस और दीगर तहसील इंतजामिया ने 7 दिसंबर को पानी चलाया था सीवरेज के पानी से गलिया मोहल्ले और गरीब लोगों के मकान भी मुख्तल बीमारियां फैल रही हैं और खच्चा है कि पूरा कस्बा इस लपेट में आ जाएगा ये कस्बा छह सौ साल पुराना है जिसका बारिशी पानी का कुदरती निकासी आप भी इसी तरफ है जो बासर अफरात ने बंद कर रखा है यूनियन काउंसिल में एक गर्ल्स हाई स्कूल इसी सड़क पर वाकया है तलबात के लिए दुशवार गंदे पानी से गुजर कर जाना होता है लोगों के ऐसी जमीन बोस होने को है किसी भी वक्त कोई भी जानी नुकसान हो सकता है शेख मोहम्मद असलमद इंसारी कुछ तीन बच्चों और बेवा खात वगैरह के मकान भी दड़ाड़े पड़ चुकी है और किसी वक्त जानलेवा हादसे का खतरा है मजबूरन आवाम कोरोना से नहीं दबकर मर जाएगी मुतासरी एहतजाज के लिए रोडो आरोप निकलने को मजबूर है अवाम ने वजीर अला पंजाब और कमिश्नर सरगोदा ऐसी मसले के हल करने और बासर अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया है